गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड स्टूडेंट्स, अभी तक हम 850 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से हजारों क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो मेरे वीडियोस को आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए। अगर आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करवाते रहोगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे, तो मुझे भी इसका बेनिफिट मिलेगा और आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैं कंप्यूटर में काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियोस है मेरे पास, DBMS RDBMS की वीडियोस है मेरे पास, C++ की वीडियोस है मेरे पास, MS ऑफिस। कुछ लोगों को MS ऑफिस के प्रैक्टिकल करने में दिक्कत आती है, कई लोगों को MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट नहीं आता, तो मैंने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको एक एक मेन्यू, एक एक पॉइंट बताया है कि कैसे आपको कुछ भी करना है, मारो मेल मर्जिंग करनी है MS वर्ड में, तो मैंने उसका एक एक तरीका आपको बताया हुआ है, तो आप जाके मेरे कंप्यूटर वाली वीडियोस भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 851 नंबर पे। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना नाम दिया था। तो ये स्टूडेंट्स जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हरियाणा को हरना नाम किसने दिया था? महाराज कृष्ण ने दिया था। हरियाणा के किस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है? मुस्तफाबाद का नाम बदल के सरस्वती नगर कर दिया गया है, और ये मुस्तफाबाद है कहाँ पर स्टूडेंट? यमुनानगर में है। कहाँ पर है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास लिखा था। तो हरियाणा का इतिहास एक बुक का नाम था जो पंडित श्री राम शर्मा ने लिखी थी। हरियाणवी रामायण की रचना खुदाबख्श अहमद ने की थी। स्टूडेंट्स, रामायण तो हमने सुनी है, हिंदी रामायण भी देखी है, लेकिन हरियाणवी रामायण, जो हरियाणवी भाषा में लिखी गई रामायण है, उसकी रचना किसने की थी? खुदाबख्श अहमद ने की थी। जुई सिंचाई प्रणाली लिफ्ट सिंचाई का एक उदाहरण है। तो जुई सिंचाई प्रणाली में लिफ्ट सिंचाई का यूज होता है, उसका एक एग्जाम्पल भी है, उदाहरण भी है। गुड़गांव नहर से किन दो जिलों की सिंचाई होती है? तो गुड़गांव और फरीदाबाद दो जिलों की सिंचाई गुड़गांव नहर से होती है। जाखल जंक्शन फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो फतेहाबाद जिले में कौन सा रेलवे स्टेशन है? जाखल। हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से पिंजौर में लोकप्रिय है। तो बैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? अप्रैल में मनाया जाता है। अप्रैल में जनरली 13 या 14 तारीख को ही आता है, और यह मुख्य रूप से पिंजौर में लोकप्रिय है। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहाँ पर है? भिवानी में। स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, वो भिवानी या चरखी दादरी से आए हैं, इसलिए बॉक्सिंग का पावर हाउस हम भिवानी को मानते हैं। फतेहाबाद सूती धागों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो फतेहाबाद है वहाँ पे सूती धागे बनते हैं। हर एक शहर कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है। जैसे जैसे गेहूँ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गेहूँ सिरसा में होती है, ठीक है। उसी तरीके से फतेहाबाद सूती धागों के लिए प्रसिद्ध है। साहिबी नदी अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। तो साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा के दक्षिण से आती है और यमुना नदी में आके ये मिल जाती है। धारूहेड़ा एक औद्योगिक नगरी है, सबसे तेजी से बढ़ता औद्योगिक क्षेत्र है, और धारूहेड़ा कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। अंबाला जिले में हरियाणा के सभी जिलों में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? अंबाला में होती है। अंबाला, यमुनानगर, मतलब जो भी आपके पास ऑप्शन हो, तो यहाँ पे जो हमारे उत्तर पूर्वी इलाके हैं उनमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, और दक्षिण पश्चिम इलाकों में सबसे कम बारिश होती है। हरियाणवी के कई शब्द फिनिश भाषा के शब्दों के समान है। तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है, हरियाणवी भाषा के कई शब्द जो है वो फिनिश भाषा के शब्दों से लिए गए हैं। अंबाला और हरिद्वार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-72 है। अंबाला से किसी को हरिद्वार जाना हो तो वो इस नेशनल हाईवे से होकर जाएगा। इस नेशनल हाईवे का नाम क्या है? NH-72। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या हो गया? बलरामगढ़। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है। तो पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक था जिसे अभिनव बिंद्रा ने जीता था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ये जान रहे स्टूडेंट। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। अंडर विच मुगल रूलर डिड हरियाणा कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश? तो जब अंग्रेजों के कब्जे में हरियाणा आया उस टाइम पे कौन सा मुगल शासक था? शाह आलम के टाइम में जो आपका हरियाणा का शासन था वो ब्रिटिश के पास पहुंच चुका था, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका था। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार भी कहते हैं, ये सोनीपत में स्थापित किए जा रहे हैं।
हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप में पाया जाने वाला पेड़ कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रमुख रूप में पाया जाने वाला पेड़ है, और जनरली ये आपके जीटी रोड पे हाईवे के किनारे किनारे मिलते हैं इस टाइप के वृक्ष। द हरियाणा लेजिस्लेचर इज यूनिकेमलर। लेजिस्लेचर का मतलब है हरियाणा विधानसभा। हरियाणा की जो विधानसभा है वो सिर्फ एक सदनात्मक है, मतलब तो एक ही सदन है उसका, दो नहीं है, इसलिए इसे यूनिकेमरल बोलते हैं। दमदमा झील गुरुग्राम में स्थित है, तो दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम जिला है, और इसे सबसे बड़ी लेक माना जाता है। हरियाणा की सबसे बड़ी लेक है दमदमा लेक। इन मोस्ट पार्ट ऑफ हरियाणा यू कैन फाइंड द सैंडी फॉर्म टाइप ऑफ सोइल कवर। ठीक है, तो हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलती है वो रेत की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी ज्यादा है, क्योंकि आपका ये जो है महेंद्रगढ़ वाला एरिया, भिवानी वाला एरिया, ये सारा रेतीला एरिया है। हरियाणा के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है? तो सिरसा में। जैसे स्टूडेंट्स हम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आते रहेंगे, वर्षा न्यूनतम होती रहेगी, तो इस हिसाब से आपके पास जैसा ऑप्शन हो आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि सिरसा में न्यूनतम वर्षा होती है। हरियाणा में से कौन सा हरियाणा का एक हिल स्टेशन है? मोरनी। तो स्टूडेंट से ये पूछा जा सकता है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स है। हरियाणा तिलक रोहतक से प्रकाशित होता है, और हरियाणा तिलक कौन सी भाषा में है? स्टूडेंट्स उर्दू भाषा में है हरियाणा तिलक। राखी गढ़ी गांव हिसार में स्थित है, और बनावली गांव कहाँ पर है? फतेहाबाद में स्थित है, पहले भी मैंने आपको बताया था। कुणाल कहाँ से है? वो भी फतेहाबाद से स्थित है। तोशाम कहाँ पर है? भिवानी में स्थित है। चंडीगढ़ शहर को ले कॉर्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया था, जो ली कॉर्बूजियर थे जिन्होंने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया था, जबकि आपके बहुत सारे उन्होंने जो भवन है, जैसे आपका हाई कोर्ट है उसके निर्माता भी ली को उसके डिजाइनर भी जो है ली कॉर्बूजियर है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डिजाइनर भी ली कॉर्बूजियर है। करनाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया था, और ये मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था। स्टूडेंट से एक क्वेश्चन आया हुआ था पीछे कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था एक मुगल शासक था, और नादिर शाह तो आपका बाहर से आया था, तो दोनों के बीच में करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला अनीता कुंडू हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? हिसार। तो कौन सी दो बार चढ़ी थी? संतोष यादव हरियाणा वो माउंट एवरेस्ट पे दो बार चढ़ी थी, लेकिन पहली भारतीय महिला जो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे वो कौन थी? अनीता कुंडू, और वो किस जिले से संबंधित थी? हिसार से। डीएलएफ गोल्फ कोर्स हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है, ये स्टूडेंट याद रखना। डीएलएफ गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? डीएलएफ गोल्फ कोर्स हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भीम पुरस्कार की तर्ज पर गठित किया गया है? एकलव्य पुरस्कार। यह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो भीम पुरस्कार की तर्ज पर गठित किया गया? एकलव्य पुरस्कार। रागनी हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत है, तो हरियाणा का प्रसिद्ध जो लोकगीत है वो रागनी है, जनरली खुशी के मौकों पर रागनी गाई जाती है। गुलाम कादिर एक सूफी कवि है। ठीक है, तो गुलाम कादिर कौन है? एक सूफी कवि है हरियाणा के। हरियाणवी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि हरियाणवी भाषा एक्चुअल में कोई भाषा नहीं है, एक बोली है, तो ये हिंदी भाषा में लिखी जाती है, और हिंदी की जो लिपि क्या है वह देवनागरी है आपकी। मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो मारकंडा नदी अंबाला जिले से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? सनहित सरोवर, जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, सनहित सरोवर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा का मैंने बताया था पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद स्वरूप थे। हरियाणा में सबसे गर्म महीने कौन कौन से होते हैं? मई और जून सबसे गर्म महीने गर्म महीने होते हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त में तो बारिश स्टार्ट हो जाती है, सावन का महीना स्टार्ट हो जाता है। हरियाणा में उर्दू मुख्य रूप से गुड़गांव जिले में बोली जाती है। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में उर्दू मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो गुड़गांव जिले में बोली जाती है। तो स्टूडेंट अगर गुड़गांव ऑप्शन नहीं हो तो मैं बात में सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, 895 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा देश में 22वें स्थान पर है। तो अगर एजुकेशन की दृष्टि साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का नंबर आता है 22वां। 896 नंबर। बिरराना
एक प्राचीन हड़प्पा घाटी स्थल है। 897 नंबर, चौधरी देवीलाल ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो ऐसा पूछा जा सकता है, हरियाणा के कौन से ऐसे सीएम रहे हैं जो मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो चौधरी देवीलाल। 898, आलू हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जी है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। सबसे ज़्यादा मसाला कौन सा उगाया जाता है, हल्दी, और सबसे ज़्यादा सब्जी कौन सी उगाई जाती है, आलू। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है, तो फतेहाबाद में सबसे कम क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे, पंचकुला में है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, पंचकुला में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, और पंचकुला के बाद किसका नंबर आता है, यमुनानगर का नंबर आता है, और सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। सबसे अधिक जो झाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो है क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि सबसे अधिक झाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो आज के लिए बस स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू वेरी मच, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, करवाइए।